जय हिंद दोस्तों, मणिपुर में त्रिपुरा का 2 आर्मी जवान शहीद हो गए हैं। शहादत की सूचना से पूरे त्रिपुरा शोक की लहर में डूब पड़ी है। बता दें कि 107 टिटोरियल आर्मी के 2 वीर जवान प्रशांत देव और संजय देवनाथ ड्यूटी के दौरान मणिपुर के टुपुल में बुधवार को देर रात की भारी भूस्खलन में शहीद हो गए हैं। शनिवार को पहले जवान संजय देवनाथ की शहादत का पूरा राज्य शोक में था। एक अन्य जवान को शहीद होने पर त्रिपुरा के लोग बेहद ही गमगीन हो गए। 2 शहीदों जवानों को परिवार पर दुखों का पहाड़ टूटा। मणिपुर के टुपुल के निर्माण अधीन नए रेलवे स्टेशन के पास बुधवार को देर रात को भूस्खलन हुआ। उस स्थान पर 107 टिटोलियर आर्मी का कैंप था। त्रिपुरा के 2 वीर शिविर में सुरक्षा संभाल रहे थे। विशालगढ़ का बरियादही कस्बा क्षेत्र का संजय देवनाथ और खोवाई जिला का कल्याणपुर निवासी प्रशांत देव का भूस्खलन में शहीद हो गए। मणिपुर के नौनी जिले में टुपुल में हुए विनाशकारी भूस्खलन में कुल 82 लोग दबे थे, जिनमें से 18 लोगों को जिंदा बचा लिया, जबकि शनिवार को मिली जानकारी के अनुसार 27 लोगों का मौत हो चुकी है, जिनमें से सैन्यकर्मियों, रेलवे कर्मियों और श्रमिक भी शामिल है। बताया गया है कि मलबे में अभी भी 35 से अधिक लोगों की तलाश की जा रही है। घटनास्थल का मणिपुर का मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने दौरा की स्थिति का जायजा लिया है। बता दें कि 29 जून को मणिपुर में हुए भूस्खलन में त्रिपुरा का 2 जवान शहीद हो चुके हैं। शहादत की सूचना घर पर जाते ही दोनों जवानों का घर पर मातम पसरा हुआ है। पूरे परिवार परिजनों को रो रो कर हालत गंभीर है। बताया जा रहा है कि शहीद जवान का पार्थिव शरीर कल पैतृक निवास पहुंचेगा और वहां पर पूरे अंतिम यात्रा के साथ पूरे राजकीय सम्मान के साथ सशस्त्र सलामी देकर शहीद जवान का अंतिम संस्कार कर दिया जाएगा। अगर इन दोनों जवानों के लिए आप लोगों को जरा सा भी रिस्पेक्ट होगा तो कमेंट में जय हिंद जरूर लिखना। अगर चैनल पर नए जुड़े हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन की घंटी प्रेस कर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।